गुजरात के सावली से ये खबर सामने आ रही है। बड़ौदा के पास जो सावली आया हुआ है, वहाँ पर एक धरती पुत्र के बेटे ने कृषि इलेक्ट्रिक रोवर का आविष्कार किया है। दरअसल जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, उस तरह से सावली में किसान के तौर पर काम करने वाले भरत पटेल के पुत्र नील पटेल ने बीई मैकेनिकल का अभ्यास पूर्ण करने के बाद अपने पिता जिस तरह से किसानी का काम कर रहे थे, खेतों में काली मजदूरी कर रहे थे, उनके लिए एक इलेक्ट्रिकल रोवर का आविष्कार किया गया है, जिसे कृषि मणि नाम दिया गया है। इस इलेक्ट्रिकल रोवर के ज़रिए जो किसान का काम करने वाले हैं, उनकी मजदूरी, उनका श्रम और उनका समय, वो दोनों का बचाव होगा। आपको बता दें कि रिमोट के ज़रिए, प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये स्वसंचालित बैटरी से चलने वाला ये इलेक्ट्रिकल रोवर है, जिसके ज़रिए किसान न सिर्फ जो खाद है वो डाल सकते हैं, बल्कि दवाइयों का भी छिड़काव इसके ज़रिए कर सकते हैं। ऐसे किसानी के काम में, मीन्स खेत के काम में, ये कई जगह पर उपयोगी है। वैसा इलेक्ट्रिकल रोवर का आविष्कार नील की ओर से किया गया है। तब आइए जानते हैं कि इस आविष्कार के बारे में नील क्या कहते हैं। हमें मानसों ने अच्छा अनुभव था, एक आविष्कार करवानो प्रयोग करियो छे, जेनुं नाम कृषि मणि छे। आ इलेक्ट्रिक व्हीकल ना सेगमेंट में कैटेगराइज थाय छे। आनी अंदर 8 कलाक नो बैटरी बेकअप छे। आनी अंदर ऑटोमेटिक बीज वावनी माटेनी फेसिलिटी है, खातर मुकवा माटेनी फेसिलिटी है, दवा छाँटवा माटेनी फेसिलिटी है। आनी अंदर आपणे बियारणनो 50% थी बचत थाय छे, खातरनी 40% थी अने दवानी 35% थी बचत थाय छे। आ टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकलना सेगमेंटमां होवाथी अने ऑटोमेशनमां मोटो आविष्कार होवाथी आ एक रिवोल्यूशन बनी शके छे एग्रीकल्चर सेक्टरमां। आ मारू आनी प्रेरणा मने मारा पिताश्रीथी मळी, जेमने खासू गरमीमां आ काम करी रहेवू पड़तुं हतुं, मजूरो माटे बधे भटकवू पड़तुं हतुं, अने गमे तेટલા પૈસા ચૂકવતા બી આપણાને માણસની અછત સર્જાતી હતી।